स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 निम्नलिखित में से किस समूह को विशेष अधिकार प्रदान करता है? ए सभी नागरिक, बी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सी महिलाएं, डी अल्पसंख्यक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अल्पसंख्यक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, आकृति विज्ञान मुख्य रूप से जीव विज्ञान के निम्नलिखित पहलुओं में से किससे संबंधित है? ए पशु व्यवहार का अध्ययन, बी जीवों की संरचना और रूप, सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं, डी जीवों का वर्गीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जीवों की संरचना और रूप। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के आकार और संरचना के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें उनकी बाह्य और आंतरिक विशेषताएं भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी नील्स बोहर, सी जे.जे. थॉमसन, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जे.जे. थॉमसन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जे.जे. थॉमसन को वर्ष 1897 में कैथोड किरणों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यूएसए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, डी खाद्य और कृषि संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक भूख सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल थुंगर हिल्फ के साथ मिलकर प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट शब्द सबसे अधिक किससे जुड़ा हुआ है? ए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, बी शेयर बाजार, सी राष्ट्रीय ऋण राहत, डी नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कार्बन क्रेडिट एक परमिट है जो किसी देश या संगठन को एक निश्चित मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नालंदा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व वाली सेना ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, ब्राउन फील्ड निवेश शब्द का तात्पर्य है? ए कृषि में निवेश, बी मौजूदा सुविधाओं में निवेश, सी स्वच्छ ऊर्जा में निवेश, डी अज्ञात क्षेत्रों में निवेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मौजूदा सुविधाओं में निवेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्राउनफील्ड निवेश से तात्पर्य नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के निर्माण के बजाय मौजूदा बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश से है। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ए लाल सागर और भूमध्य सागर, बी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, सी अरब सागर और हिंद महासागर, या डी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए वियना ऑस्ट्रिया, बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, सी न्यूयॉर्क यूएसए, डी द हेग नीदरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, द हेग नीदरलैंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो नरसंहार और युद्ध अपराधों जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस फसल में लागू की गई थी? ए कपास, बी गेहूं, सी चावल, डी गन्ना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।